रहमानी रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास टू हमने साइंस का यूनिट नंबर 3 पढ़ा था, काइंड्स ऑफ प्लांट्स। काइंड्स ऑफ प्लांट का जो है अब हम काम करेंगे। सबसे पहले आपको अपना टाइटल पेज बनाना होगा काइंड्स ऑफ प्लांट का, उसके बाद आपको करनी है वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका प्लांट्स, पौधे, फ्लावर, फूल, स्टीम, तना, रूट, जड़ें, पार्ट्स, हिस्से, सॉइल, मिट्टी, ग्रो, बढ़ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एयर, हवा, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स की, उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोस्ट प्लांट, यानी कि ज़्यादातर प्लांट्स का कलर कैसा होता है। आंसर इसका, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं। टू है, व्हाट डू रूट्स डू, रूट्स क्या करती हैं, रूट सक्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। रूट जो है वो पानी और सॉल्ट जो होता है उसे ज़मीन से सक करती है। ठीक है, व्हाट डज द स्टीम डू, स्टीम क्या करती है, द स्टीम टेक्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट। स्टीम जो है वो रूट से वाटर और सॉल्ट जो है वो लेती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, व्हाट डू फ्लावर्स डू, फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर मेक सीड्स, फ्लावर जो है वो सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं। व्हाट डू लीव्स डू, लीव्स क्या करते हैं, लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट, लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपकी, द स्टीम ग्रोज अबव द सॉइल, सॉइल को जो है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। सेकंड है आपका, फ्लावर्स, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, फ्रूट जो है वो आप ब्लैंक में लिखेंगे। थ्री है, रूट ग्रोज इन द सॉइल, रूट जो है वो आप ब्लैंक में लिखेंगे। फोर है, कैक्टस लीव्स आर लाइक थ्रोन्स, कैक्टस जो है वो ब्लैंक में लिखेंगे। द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन सो इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट, मशरूम जो है वो आप ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन थ्री, आपको क्या करना है, राइट यस और नो, यस और नो आपको लिखना है। प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड हर्ब्स, आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल जो है ग्रो करते हैं, ये नो। ठीक है, इसका आंसर होगा नो। टू है, ट्रीज हैव हार्ड वुड स्टीम, येस। मोसेस ग्रोज वेरी टॉल, नो। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम, येस। मशरूम गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, येस। सबसे पहले आपने वर्ड्स मीनिंग की, क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, देन येस एंड नो। फिर आपको करने हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट है आपका, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप में को जो है वो राइट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो ग्रीन आप ग्रीन पे टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका, ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट, वाटर, फूड, एयर। ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो प्लांट के लिए, पौधों के लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी या फिर हवा। खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर फूड को राइट टिक कर देना है। थ्री है हमारा, रूट्स ऑफ अ प्लांट सक वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्या चीज़ है जो रूट जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर और सॉल्ट को जो है वो सक करता है मिट्टी से, तो रूट को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, फोर है हमारा, फ्लावर्स हेल्प टू द प्लांट टू मेक, फ्लावर जो है वो क्या बनाने में मदद करते हैं, सीड, स्टीम और रूट्स, तो सीड बनाने में मदद करते हैं, तो हमने यहाँ से सीड सेलेक्ट कर लेना है। फाइव है, द स्टीम ऑफ ट्रीज आर, जो ट्री की जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट एंड ब्रांचेड, सॉफ्ट एंड वीक, हार्ड एंड वुडी, हार्ड एंड वुडी होती है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, लेबल द डायग्राम, आपको डायग्राम दी गई है वो आपको लेबल करनी है। अपनी कॉपी में ये डायग्राम आपको बनानी है, इसे लेबल करना है, जैसे कि इसके पार्ट्स के जो है वो आपको नाम लिखने हैं। फ्लावर, ठीक है, ये लीव है तो यहाँ आपने अपने लीव्स लिख देना है। ये जो है वो स्टीम है तो आपने स्टीम लिख देना, और देन रूट। ठीक है, ये डायग्राम आपको लेबल करनी है। उसके बाद आपको जो है वो अपनी बुक की एक एक्टिविटी करनी है, जो आपको अपनी बुक में ही करनी होगी। यहाँ पे आपको प्लांट की पिक्चर्स दी गई हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि ए है आपका पिक्चर प्लांट, बी है दी वीनस प्लांट,
सी है आपका टच मी नॉट और डी है शर्ट, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, सारा काम आपको नीट एंड क्लीन करना है। चैप्टर नंबर 2 का जो है, चैप्टर नंबर 3 का जो है ये काम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको काम करना है। अल्लाह हाफिज़।